हेलो दोस्तों, आइए फिर से आज हम लोग जीओसी के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखते हैं और समझते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है, जो कि कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। जीओसी में अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता दिया है। ये ऐसा इफेक्ट है जो कि परमानेंट है किसी भी मालिक्यूल में। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का सेंटर से इधर उधर हट जाना ही इंडक्टिव इफेक्ट को जन्म देता है। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है? मेन तो इसका पॉइंट एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन समझने से पहले आप एक दो पॉइंट को समझ लीजिए तो बड़ा मजा आएगा समझने में। पूरे केमिस्ट्री में या तो ए माइनस होगा, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, या तो ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, या तो फिर ए होगा। समझिएगा इस बात को। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ओके। ये कार्बन भी हो सकता है, कोई और कंपाउंड। ये निगेटिवली चार्ज है, ओके। एंड दिस इज द न्यूट्रल। अब प्रश्न ये समझ लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी स्पीसीज है, या रिएक्टिविटी या सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड स्पीसीज कौन सा है, तो जरा आप समझ लीजिएगा इस बात को। हमेशा ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, ये दोनों न्यूट्रल की अपेक्षा हाई एनर्जाइज्ड होंगे। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो पूरा का पूरा पॉइंट समझ जाएंगे। हाई एनर्जाइज्ड देन न्यूट्रल ए, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको। अब अगर किसी चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मटेरियल को एज सच कितनी देर तक रखा जा सकता है उस बात को, ओके? तो आगे चलते हैं। अब एनर्जी की पहचान कैसे की जाएगी? अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर ज्यादा चार्ज हो तो मैं कहूंगा कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी का सीधे सीधे रिलेशन उसकी रिएक्टिविटी से होने वाला है। तो अगर मैं ये कहूं जो भी रिएक्टिव पार्ट है, ये जितने भी हाईली एनर्जाइज पार्ट है, दीज आर द मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल, तो हर पार्टिकल अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले जाना चाहता। तो हमारे पास जो ये न्यूट्रल ये है, इन दोनों के ऊपर अपेक्षा ये मोर स्टेबल है, मैं कह सकता हूं मोर स्टेबल है, जबकि ये दोनों हाई एनर्जाइज्ड होने के कारण लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, एवरी पार्टिकल्स वांट टू गेन स्टेबिलिटी। मतलब अगर लेस स्टेबल है तो वो मोर स्टेबल होना चाहेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि A प्लस और A माइनस कहीं ना कहीं A के फॉर्म में जाना चाहते हैं। A एक ऐसा व्यक्ति है जो ना तो किसी बैंक से लोन लिया है और ना तो किसी को पैसा दिया है। अगर A किसी बैंक से पैसा ले ले, पैसा मीन्स इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो गया। आप समझिए, अगर A अपने पास से कुछ पैसा किसी को दे दे तो ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो याद रहे कि कहीं ना कहीं अब जो ए प्लस है ये भी अपना पैसा मांगने के लिए लगातार काम करेगा, ए माइनस जो पैसा लिया है बैंक से लोन उसको जमा करने के लिए काम करेगा, जबकि जो ए है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स देयर इज नो चार्ज, ये आराम से बैठा है, सुकून है इसकी जिंदगी में। आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन लोन्ड है, ओके, और चूंकि इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हैं, और इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूट्रल है, मतलब ये न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब जो ए प्लस माइनस है ये करेंगे क्या, ये रिएक्टिव रहेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इनका क्या रोल है, जरा उस बात को समझते हैं। जो ए प्लस है ये न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, ए में कन्वर्ट होना चाहेगा, कैसे? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इनको कोई इलेक्ट्रॉन अगर देने वाला ग्रुप मिल जाए तब तो इनको मजा आ जाएगा।
और वैसे ही ए माइनस है, जाहिर सी बात है कि ये ऑलरेडी लोन्ड है, इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं। अब अगर इनका जो ये निगेटिव चार्ज है इसी के, भाई ये पहले ए थे अब ए माइनस में कन्वर्ट हुए हैं, तो अगर कोई इनका ये माइनस इलेक्ट्रॉन जो ये लोन लिए हैं कोई उसको ले ले किसी तरह से उसको ले ले, तो ये फिर से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं अगर ए माइनस के पास ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दूं जो इसके माइनस चार्ज को, इस माइनस चार्ज को अपने पास बुला ले, तो ए न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का रोल सबसे ज्यादा क्या है, कहाँ है, जरा आप समझिएगा। ये कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सिस्टम की एनर्जी आप जान सकते हैं, सिस्टम या कंपाउंड की एनर्जी आप जान सकते हैं। तो पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, भाई जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द रिएक्शन एंड रिएक्शन आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट, वन इज रिएक्टेंट एंड वन इज प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट इज द ओल्ड मटेरियल और द रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट इज द न्यू मटेरियल्स, न्यूली फॉर्म मटेरियल्स। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जाने पर बीच में जो एक स्टेज से गुजरना पड़ता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने से पहले, दैट स्टेज इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। अब ये इंटरमीडिएट स्टेज है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कौन से मेन इंटरमीडिएट स्टेज है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने से पहले रास्ते में दिखाई पड़े हैं, लाइफ उनकी बहुत कम होती है। उनका नाम है फर्स्ट इज कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, और इट इज आल्सो नोन एज कार्बोकैटायन, एंड सेकेंड इज फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, थर्ड इज कार्बेन आयन। इनकी अगर आपको एनर्जी चेक करनी हो या स्टेबिलिटी चेक करनी हो या रिएक्टिविटी चेक करनी हो तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। भाई हमेशा याद रखिएगा, अगर मैंने कहा किसी भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो आप समझिएगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो समझिए उसकी स्टेबिलिटी घट रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा आप क्या क्या जान सकते हो, एनर्जी जान सकते हो किसी भी सिस्टम का, रिएक्टिविटी जान सकते हो, स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो खासकर मैं इन तीनों इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, एनर्जी और रिएक्टिविटी को चेक करने का प्रयास करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। तो पहले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम एंड फ्री रेडिकल्स, इन दोनों, ये दोनों कहीं कहीं इनकी जो रिएक्टिविटी है सेम वर्क करती है प्रॉपर्टीज इनकी, तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, फिर कार्बन आयन को अलग से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। ओके, पहला एप्लीकेशन शुरू करते हैं टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। अब पहले तो कार्बोकैटायन हम लोग समझ ले क्या है, देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव मतलब इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैं इनके तीन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से कनेक्ट कर दूं और एक इलेक्ट्रॉन इनका किसी को दे दूं तो दीज आर द कार्बोकैटायन। ओके, और फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल में तीन कार्बन के जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये अभी किसी से बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो दोनों का प्रश्न हम लोग एक साथ चेक कर लेते हैं। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कार्बन के आउटर मोस्ट में 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन ही है कहीं कहीं, ये जाहिर सी बात है इसको 8 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करना चाहेंगे, और जब तक 6 वाला 8 में नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये क्या रिएक्टिव रहेगा, तब तक भाग दौड़ करता रहेगा और उसी के लिए एनर्जी भी इसकी बढ़ी रहेगी हमेशा। इनके पास 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको भी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में, न्यूट्रल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल सिस्टम में, न्यूट्रल मतलब नॉन रिएक्टिव सिस्टम, नॉन रिएक्टिव सिस्टम। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं कैसे होगा ये नॉन रिएक्टिव सिस्टम। तो मैं ऐसा करना चाहता हूं
कि अगर इसका नाम है मेथिल कार्बोकैटायन, अगर इस मेथिल या कोई भी कार्बोकैटायन है, ऐसे समझिए ये कार्बोकैटायन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिक्स इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मैं ऐसा कोई ग्रुप इसके साथ जोड़ दूं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जाहिर सी बात है ये आठ इलेक्ट्रॉन के करीब पहुंच, हो सकता आठ ना पाए लेकिन सिक्स प्लस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओके सेम, जितना आठ के करीब में जाएगा ऑक्टेट के करीब में उतने आप समझिएगा कि वो स्टेबल होता जाएगा, उसकी एनर्जी उतने कम होती जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर मैं यहीं पर जोड़ दूं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को पंप करने की क्षमता रखता हो, पंपिंग करता हो, जैसे कि ऑल द एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप सोज एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जोड़ दूं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अधिकतम कार्बोकैटायन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाऊंगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओके। सेम यही कंडीशन अगर मैं फ्री रेडिकल के साथ भी कर दूं, कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेरे पास सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कहीं कहीं इसके पास अभी सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुछ ना कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर अबाउट ऑक्टेट कंडीशन पहुंच जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी घटेगी, नो डाउट, तो रिएक्टिविटी घटेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप बातों को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी घटेगी, ओके। सेम इसी का जस्ट अपोजिट भी मैं कर सकता हूं, भैया इनके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है, इनको न्यूट्रलाइज होना है, आठ इलेक्ट्रॉन इनको ऑक्टेट में, ऑक्टेट कंडीशन गेन करनी है, लेकिन कोई अगर इनको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ दे जो सिक्स इलेक्ट्रॉन है उससे भी, इनमें सेवन इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई खींचना शुरू कर दे तब तो ये और डिस्टेबलाइज कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट निकल के ये आया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैं जोड़ दूं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये मेरे पास कार्बोनियम आयन है, ये मेरे पास फ्री रेडिकल है, तो याद रहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी घटेगी। सेम यही इनके साथ भी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिएक्टिविटी घटेगी, लेकिन अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जोड़ दूं कार्बो कैटायन से, जैसे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो इनका स्वभाव भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का नेचर ही है, वो जिससे जुड़ेंगे परेशान करके रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये खींचेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर, भाई मैं अधिकतम तीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ सकता हूँ, तीन क्लोरीन में जोड़ सकता हूँ, कोई और भी ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, भाई जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट वही ग्रुप शो करते हैं ऑल द एल्किल, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री, जिनके पास ऑलरेडी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो कहा जाएगा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है, ओके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, अगर पाई को खींचेगा तो दूसरी कहानी हो जाती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच, तो ये माइनस, ये प्लस आई इफेक्ट हुआ, ये माइनस आई इफेक्ट, तो क्या हुआ, अगर माइनस आई इफेक्ट जुड़ेगा स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, जस्ट अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दोनों का ऑर्डर जस्ट अपोजिट है, याद रहेगा, अगर प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा तो माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाएगा, इसमें नो डाउट, ओके। अब तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको सेम ही कंडीशन यहां पर भी लागू है, अगर मैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ दूं तो ऑलरेडी इनके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता लगा एक आध इलेक्ट्रॉन या और
खींच लिया का 8% तो पता लगा 7 से भी कम हो गए। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन के करीब में जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, 8 से जितना घटेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगी, उतने आप समझिए सिस्टम या मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज करेगा। कहानी समझ रहे होंगे मुझे पूरा विश्वास है। अब इसका मैं एक दो एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बातें और समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने ये लिया CH2H, दिस इज द मेथिल फ्री रेडिकल, अगर H की जगह मैंने R जोड़ दिया तो जरा देखिए प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, तो कहीं कहीं अगर मैं पूछूं इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी प्लस के पास किसके पास ज्यादा है, तो क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना तो इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता, ना तो पंप कर सकता, ना तो पुश कर सकता है, तो हाइड्रोजन जीरो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो इसमें प्लस आई कहीं कहीं यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब जितना कार्बो कैटायन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर एटम के पास बढ़ेगी उतने स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, कोई देर रात कहेंगे थैंक यू धन्यवाद, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं यहां 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दूं तो कहानी जरा देखिए, इसकी स्टेबिलिटी कहीं कहीं से और ज्यादा बढ़ जाएगी। और 3 एल्किल ग्रुप, अधिकतम मैं 3 एल्किल जोड़ सकता हूं, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, बिकॉज दे हैव 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, 3 प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करेंगे इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। भाई 3 लोग दे देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसा दे दिया, उधार दे दिया, वो नहीं दे रहा, हमारे 3 दोस्त आए कहे चलो भाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं, आप मुझसे थोड़ा थोड़ा ले लो तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं परेशान रहूंगा। तो आप समझिए सेम ही कंडीशन में फ्री रेडिकल पे भी अप्लाई कर सकता हूं, दिस इज द मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल एंड दिस इज द एल्किल फ्री रेडिकल। अब ये पंप करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं सेकेंडरी एल्किल ग्रुप यहां 2 एल्किल ग्रुप लगा दूं तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, अगर मैं 3 एल्किल ग्रुप लगा दूं तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह से कंपाउंड होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ दूं, इसी CH2 प्लस से मैंने जोड़ दिया Cl, या मैंने ले लिया CH2 प्लस H, दिस इज द मेथिल कार्बो कैटायन, और यहां मैं एक H की जगह क्लोरीन लगा दूं, कहानी चेंज हो जाएगी, 2 क्लोरीन लगा दूं, 2 क्लोरीन लगा दूं, 3 क्लोरीन लगा दे, अरे दादा दादा मामला एकदम गड़बड़ हो जाए। ऑलरेडी भैया इनके पास टेंशन था, प्लस माने इलेक्ट्रॉन का कोई ले चुका था पहले से ही पैसा ले लिया, और ये लोग भी पैसा खींचेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें मैं आपको कहूंगा सब स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजेड। तो ओवरऑल कहने का कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये दोनों कार्बो कैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का लॉजिक एक ही साथ वर्क करता है, कि अगर दोनों में मैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ दूंगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ओके, और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ दूंगा तो इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे भी इनको डिफाइन कर सकते हैं, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी भी हम लोग देख सकते हैं, कार्बेनायन टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, कार्बेनायन को कैसे चेक करेंगे देखिए, कार्बेनायन, कार्बेनायन मींस कार्बन है निगेटिव चार्ज, कार्बेनायन कार्बन है निगेटिव चार्ज। अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इसके पास निगेटिव चार्ज मैंने, और ये निगेटिव कब पॉसिबल हो, जाहिर सी बात है कार्बन की बैलेंसी जब 3 होगी, एक बैलेंसी इसकी कम हो रही है, तो वो निगेटिव चार्ज से मैं कवर कर दे रहा हूं। अब जरा देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कहीं ना कहीं ये मेथिल कार्बेन आयन है, मेथिल कार्बेन आयन है। अब जरा देखिए, अब ये कहीं कहीं किसी से लोन लिए हैं, कैसे लोन लिए जरा कहानी को समझते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो इनका कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये, 3 हो गया। अगर देखा जाए तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, और मान लीजिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन लोन ले लें, उधार ले लें, तो अब इनके पास देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ध्यान से बात को समझिएगा। अब इसी का नाम है मेथिल कार्बेनायन, या कार्बेनायन भी बोला जाता है इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3, ओके, माइनस, माइनस मतलब आप समझ जाइएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, OR। अब जरा देखिए
किसी कहीं कहीं लोन लिए हैं, अब अगर इनका लोन इनके भाई लोग आपस में कॉपरेट कर दें कि चलिए हम लोग मिलके चुका देंगे तो ये स्टेबलाइज कर जाएंगे। तो अगर इनके जो भाई हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हों, जैसे कि माइनस आई इफेक्ट शो करें, अगर मैं सी माइनस से कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दूं, माइनस आई ग्रुप लगा दूं, ये क्या करेंगे इस डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। और चूंकि मैं अधिकतम तीन ग्रुप जोड़ सकता हूं, कार्बन से ऑलरेडी एक माइनस है, इसका मतलब एक बॉन्ड इनका फ्री है, आई जे निगेटिव चार्ज है, तो तीन ग्रुप में जोड़ सकता हूं। तो ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए या माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। और एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, तब ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहीं सी माइनस से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं, आप सुनिए कहानी, ऑलरेडी ये लोन लिए हुए हैं, उधार है, और इनके भाई साहब भी इनको परेशान कर रहे हैं धक्का दे दे के, तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होगा, चूंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैंक से उधार ले चुके हैं पैसा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या करेगा, इनकी एनर्जी को इनक्रीज कर देगा, और जैसे एनर्जी बढ़ेगी रिएक्टिविटी इनकी बढ़ जाएगी, एकदम समझिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी इनकी घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं जस्ट अपोजिट आर्डर आर्डर है कार्बोकैटायन से कार्बोएनायन का। कार्बोकैटायन में जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ता था वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता था, यहां प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ने पर, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब आई जे प्लस आई ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आई जे माइनस आई ग्रुप रहेंगे, हमेशा इसको माइंड में रख लीजिए। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, अब जरा देखिए कहानी को समझ, बहुत आसान है। अब जैसे मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जैसे यही है CH3 है, CH3 माइनस, अगर यही H की जगह मैं आप एल्किल ग्रुप जोड़ दूं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, अब जरा देखिए कहानी चेंज हो गई, ऑलरेडी धक्का देंगे तो कहीं कहीं इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी या एनर्जी इनकी इंक्रीज कर जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो मैं स्टेबिलिटी का अगर क्रम देखूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और यहां मैं दो एल्किल जोड़ दूं ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यहां मैं तीन एल्किल जोड़ दूं ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा। इसी क्रम में अगर मैं कार्बन आयन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, एक तो CH3 माइनस है और यहां CH2F, अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं दो F जोड़ दूं और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैं तीन F जोड़ दूं इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो निकल के आया कि कहीं कहीं माइनस आई वाले ग्रुप अगर जुड़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। और भी देख लीजिए, इसको आप नोट करते चले, कॉपी पेन लेके बैठे रहे, नोट करते रहे। अगर मैं आपसे कहूं CF3 फ्लोराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां तीन क्लोराइड जुड़ जाए, तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। या मैं ऐसे कहूं कहीं CH2F है और कहीं CH2-Cl है, CH2-ब्रोमीन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको ये आर्डर मिलेगा, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। भाई देखिए, कहीं कहीं जो फ्लोराइड है या फ्लोरीन है वो निगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द हाइड्रोजन फैमिली, जो फ्लोरीन है तो वो इस चार्ज को ज्यादा ज्यादा कम करेगा। ओके, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से कहीं कहीं आप कंपाउंड की, कार्बोनियम कार्बन आयन आदि की आप स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। और एक बात, कहीं कहीं जो ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन में, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया सी माइनस है, यहां मान लीजिए मैंने यहां यहां जोड़ दिया फ्लोरीन, और दूसरे सी माइनस में मैंने जोड़ दिया यहां फ्लोरीन, तो अगर मैं आपसे पूछू ज्यादा स्टेबल कौन है, तो याद रखिएगा जो निगेटिव से कम डिस्टेंस पे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें एक क्रम चलता है, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, अगर किसी में जो नजदीक डिस्टेंस का है वो ज्यादा अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी को,
अगर वो माइनस आई इफेक्ट्स होकर रहा है तो जाहिर सी बात है कार्बन आयन में तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर डिस्टेंस सेम हो तो नंबर देखते हैं कितने माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और नंबर भी सेम है तो पावर देखते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है या कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इस आधार पर इसके आर्डर को भी आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगला हम लोग देख लें, स्टेबिलिटी तो हो ही गया, अब हम लोग देख लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ ये कैसे निकालते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरा क्या तीसरा है, दूसरा तीसरा एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे, देखिए कोई भी कंपाउंड अगर उसको वाटर में डालिए और वो H प्लस देता हो, जितना आसानी से दे दे H प्लस तो वो उतने ज्यादा एसिडिक है। ओके, इजिली अगर रिमूव कर दे रहा है, इजिली लॉस H प्लस, तो हम कहेंगे मोर एसिडिक है। ओके, या इसी चीज को मैं ऐसे कहूं कि अगर कोई कंपाउंड वाटर में डालने पर H प्लस देगा तो जाहिर बात उसके बाद निगेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंपाउंड निगेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब H प्लस लॉस हो गया तो निगेटिव पार्ट बचेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस जितने ज्यादा स्टेबल होगा, याद रहे कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है, बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आप समझ जाइएगा उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी, उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। इसको हम लोग आइए समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिया HCOOH, इसको मैंने पानी में डाला, ओके, तो मुझे मिलेगा HCOO- + H+, और यही मैंने ले लिया CH3COOH पानी में डाला तो मिला CH3COO- एसीटेट आयन प्लस एच प्लस। अब चेक करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, HCOO- ज्यादा स्टेबल है कि CH3COO- ज्यादा स्टेबल है। तो याद रखिएगा अगर कहीं पर भी निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा है तो कहीं कहीं ये निगेटिव को डिलोकेलाइज नहीं होने देगा, या आप ऐसा समझिए कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा है तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फार्मेट आयन है वो एसीटेट आयन की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है, और जो मेरा कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है चूंकि एच प्लस लॉस करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस ही है, अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हुआ। एसिटिक एसिड आर द लेस एसिडिक देन फार्मिक एसिड, ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको यहां से मिल गया। तो अब इसकी स्टेबिलिटी और आसानी से कैसे देखेंगे, जरा इस बात को समझिए, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे, कॉपी पेन लेके नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई कॉन्जुगेट बेस है, ओके, मेरे पास कोई कॉन्जुगेट बेस है तो जाहिर सी बात है निगेटिव ही चार्ज रखेगा, ओके। अब इससे अगर मैंने प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर मैंने कॉन्जुगेट बेस से माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जोड़ दिया, माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो चलिए कहानी को समझते हैं। अब मैं देता हूं आपको कि CH3COOH, CH3CH2COOH, ओके, CH3CH, CH3COOH, ओके। अब यही मैं जोड़ दूसरा एक देता हूं कि CH3CH2COOH, CH3CHFCOOH, ओके, CH3CFFCOOH। अब जरा देखिए इसमें केवल मेथिल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसमें एथिल है, इसमें आइसोप्रोपिल है। आर्डर आपको पता होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट का कि मेथिल से ज्यादा एथिल में प्लस आई इफेक्ट होता है, उससे ज्यादा आइसोप्रोपिल में। और मैंने कहा अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी,
तो इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो मैं ऑर्डर ये लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। और देखिए इसमें भी कहानी, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है जबकि ये इन सब में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हमेशा याद रखिएगा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। आप इसी क्रम में एसिडिटी बेसिसिटी किसी की भी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे में बता सकता हूं CF3COOH, CCl3, ये बहुत पूछा जाता कंपटीशन में, CBr3COOH, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ये होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन इज प्रेजेंट हियर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप फ्लोरीन का ज्यादा होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता ही दिया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। और इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत ही आप विचार करिएगा। CH4 है, ओके, NH3 है, H2O है, HF है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा अगर ये ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ दिया जाए, तो सब में क्या करिएगा, पहले इसको कॉन्जुगेट बेस में बदल लीजिए, सबसे एक एक H निकाल दीजिएगा H+, तो CH3- NH2- OH- F-। अब जरा देखिएगा, सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर आपका ये है, ओके, ये दिस इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, इसका मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कहीं कहीं वो निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा ज्यादा स्ट्रॉन्गली से, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर कंजुगेट बेस की, और इस चूंकि आपको पता है जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है और वही एसिडिटी ऑर्डर होती है, तो मैं ये कह सकता हूं सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ये है, सबसे कम एसिडिक आपको इसमें मीथेन मिलने वाला है, सबसे कम एसिडिक, ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी क्रम में मैं अगर आपसे पूछ लूं कि NH3 और CH3NH2 इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, NH2- होगा, इसका कॉन्जुगेट CH3NH- है। हमेशा याद रखिएगा H+ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला निकालेंगे, कार्बन का नहीं निकालेंगे। अब इसमें प्लस आई इफेक्ट है तो निगेटिव को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इट मीन्स दीज आर द मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है, अमोनिया इज मोर एसिडिक देन मेथिलियमीन। ओके, बात पकड़ रहे होंगे, बातें समझ में आपको आ रही होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लू CH3SH और CH3OH में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए S-CH3O-, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन हाँ होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग सही है कि सर वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर की अपेक्षा, तो इसको निगेटिव चार्ज रखने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, बट सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने इस निगेटिव चार्ज को डी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो याद रखिएगा जो ये सल्फर वाला कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये मेथेन जो थायोल है वो मेथिल अल्कोहल के अपेक्षा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब इसी क्रम में आप कहीं कहीं एसिडिटी बेसिसिटी को भी आप बेसिसिटी को भी देख लीजिए, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है उसको भी मैं बता दूं। तो चलिए बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देख लिया जाए, अगला पॉइंट है एप्लीकेशन का टू चेक द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको चेक करना है तो कोई भी कंपाउंड कितना आसानी से H+ को गेन कर ले, जितना आसानी से H+ दे दे, बहुत अगर इजीली दे दे रहा तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्लोली दे रहा तो कहेंगे वीक एसिड है, वीक माने बेकार कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग माने बहुत अच्छा जो तुरंत लॉस कर दे। वैसे बेसेज अगर कोई भी बेस, अगर मैं कहूं कोई भी कंपाउंड अगर H+ को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है
तो उसे हम लोग कहेंगे वह कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस है या गुड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस या गुड बेस। और यही अगर ये प्लस को स्लोली एक्सेप्ट करता तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं वीक बेस, स्लोली एक्सेप्ट करता है। ओके, अब कौन एक्सेप्ट करेगा ये भी जरा समझ लीजिए, कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वही तो एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा। सही है। अब जैसे मैं आपसे कहूं एफ माइनस ओ एच माइनस, ऐसे कर दे एफ माइनस ओ एच माइनस, ठीक है, एन एच टू माइनस, सबके पास माइनस चार्ज है, कौन एच प्लस को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, जो इजिली एक्सेप्ट कर लेगा वही अच्छा बेस होगा। तो याद रखिएगा एसिड का उल्टा बेस होता है, ऐसे भी आप समझ लीजिएगा, मैं एच प्लस को ही रखूंगा तो कहीं ना कहीं इसकी साइज छोटी है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो साइज छोटी है तो जो इसका निगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं न्यूक्लियस के पास होगा। भाई जिसकी साइज छोटी है उसका बाहरी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस के पकड़ में होगा। एन एन की साइज बड़ी है, भाई देखिए सेकंड पीरियड में अगर मैं बात करूं तो आप यही सब चलते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, साइज का घटता क्रम यही है। अगर मैं पूछूं तो नाइट्रोजन की साइज ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बड़ी है, जिसका जिसकी साइज बड़ी उसका दिल बड़ा, और उसका दिल बड़ा तो आसानी से किसी को दे सकता है और ले सकता है। अगर मैं कहूं इसका जो निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस से दूर है आसानी से एच प्लस से जुड़ जाएगा, तो इसमें अगर मैं बात करूं गुड बेस कौन है तो ये आर्डर होगा डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिसिटी। ओके, कहानी मुझे लगता है आपको समझ बातें आ रही होंगी। अगर थोड़ा सा इसी बात को मैं और आगे बढ़ाऊं तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, जैसे मैंने कहा अमोनिया और मैंने कहा मेथिल एमीन, मैंने एच प्लस इन बीच में रख दिया, कौन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा तो ये, क्यों, क्योंकि इसके पास प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो याद रखिएगा जनरली क्या होता है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, जो प्लस आई ग्रुप क्या करता है अगर बढ़ रहा है तो बेसिसिटी बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। ओके, लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ रहा है तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल यही मैं क्या, अभी देखिए ये ज्यादा बेसिक है लेकिन मैं यही अगर लिख दूं CH2Cl NH2 एंड CH2F NH2, तो अगर आप देखें तो इसमें बढ़िया बेस कौन है, पहला वाला होगा, क्योंकि दूसरे वाले में क्या है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, तो कहीं कहीं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये लोन पेयर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मूव कर जाती है फ्लोरीन की तरफ, तो कहीं कहीं यहां डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी अगर डिक्रीज कर गई तो बेसिसिटी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। यहां पर इनके अपेक्षा कम, चूंकि क्लोरीन लेस माइनस आई इफेक्ट शो करता है देन फ्लोरीन। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेथिल एमीन है या वन डिग्री एमीन भी बोला जाता है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है और ये अमोनिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इसको भी समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर पूछा जाए इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा तो जरा देखिए, आप कहेंगे इसमें 3+ आई इफेक्ट ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो इसके पास डेंसिटी बढ़ जाएगी, मोर डेंसिटी होगी, और जिसके पास ज्यादा डेंसिटी होगी वो किसी को दे भी तो सकता है। ओके, मतलब एक पॉसिबिलिटी बनती है, ये जरूर नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो लुटा दे पगला दे पगला जाए, ऐसा नहीं है, बट ये आर्डर मिलेगा। सही भी है, नो प्रॉब्लम, ये गैसियस स्टेट में ऐसा मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही कहीं भी अगर आप यक्वस स्टेट की बात करते हैं, यक्वस स्टेट पानी डाल दिया जाए तब कहानी क्या हो जाती है जरा आप समझिएगा। तो इसमें जो ये आर्डर है इसको मैं लिख सकता हूं 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री और इसको अमोनिया को 0 डिग्री बोला जाएगा, तो आपको ये मिलता है बेसिसिटी का आर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में कहूंगा तो याद रखिएगा आपको ये आर्डर मिलने वाला है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमीन हो जाता है, सेकेंडरी अमीन
फिर प्राइमरी एमीन हो जाता है, फिर टर्सरी एमीन हो जाता है, और फाइनली अमोनिया की जो है सबसे कम हो जाती है, पहले से भी अमोनिया का सबसे कम है। अच्छा, उसके पीछे अलग लॉजिक है, यहाँ कहीं कहीं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ एक और इफेक्ट काम करने लगता है, सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट, तो वो अभी यहाँ पढ़ने का विषय नहीं है, तो इसके कारण से थोड़ा सा यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है एक्वस स्टेट में। तो ये तो रहा बेसिसिटी, तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं बेसिसिटी भी इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है। भाई कोई भी कंपाउंड ज्यादा बेसिक कब होगा, जब उसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो, और लेकिन वो चार्ज या लोन पेयर रखने के बावजूद देने की क्षमता रखता हो। कब देगा, जब कोई बगल से पंप करे, दे दो दे दो दे दो, प्लस आई वाला हमेशा पंप करेगा, दे दीजिए भैया, तो जब भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी और एसिडिटी घटेगी। याद रखिएगा दोनों का रिवर्स ऑर्डर है, प्लस आई बढ़ने पर बेसिसिटी बढ़ेगी लेकिन एसिडिटी घटेगी, ये कॉन्सेप्ट कभी भूलेंगे नहीं, एसिडिटी घटेगी। ये ओवरऑल द कॉन्सेप्ट था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का। इसको पढ़ने के बाद हमें पूरा विश्वास है आपके सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।